नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सेटअप कुछ अलग है, चीज़ें कुछ अलग है, तो ज़रूर हमारे साथ में कोई ऐसी पर्सनालिटी है। जी हां, आप एकदम सही से गेस कर रहे हैं क्योंकि थंबनेल भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो आज है हमारे साथ में कॉरप्रिक्स के MD भानु प्रताप सिंह। जी हाँ, पिछले काफ़ी टाइम से कुछ कमेंट्स चल रहे थे, कॉरप्रिक्स पिछले 10-12 सालों से काफ़ी कुछ कर रही है और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई और नीचे कमेंट आते गए कि यार आप बहुत सारी पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में, अदर ब्रांड्स के बारे में बात करते हो, यार सर कभी कॉरप्रिक्स के बारे में तो बताओ। तो दोस्तों, आप ही लोगों के लिए काफ़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद में हम लोग लेकर आ गए डायरेक्ट MD को आप लोगों से मिलवाने के लिए। सो मोस्ट वेलकम भानु प्रताप जी हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए, आपका कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू। सो कैसे सर? थैंक यू सो मच। मैं बढ़िया, आप बताइए। सो एक्चुअली ऑडियंस बहुत कुछ जानना चाहती है आपके बारे में, अबाउट द कॉरप्रिक्स, काफी सारी ब्रांड्स के बारे में तो जानती है। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। आज हम भरत जैन साहब से अच्छी बातचीत करेंगे और सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस के हमारे इंडिया के काफी अच्छे यूट्यूबर हैं और काफी आपको नॉलेज देते रहते हैं, तो आज रूबरू होने का मौका मिला। तो सर, सबसे पहले पॉइंट पे ही आऊंगा कि जो हमारी ऑडियंस चाहती है वो ये चाहती है कि कॉरप्रिक्स क्यों? बहुत सारी पॉपुलर ब्रांड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, आपको भी पता है, बाकी सब लोगों को भी पता है, तो इस कंपटीशन वाली चीज़ के अंदर हम लोग कॉरप्रिक्स को क्यों चुने? ये एक्चुअली जो बात आ रही है वो एक CCTV इंटीग्रेटर के दिल से आ रही है। जी जी, तो उसके बारे में बताइए। सबसे बड़े पॉइंट पे ही आपने सीधी बात की है तो अच्छी बात है। देखिए, कॉरप्रिक्स क्यों अगर बात की जाए तो हम कुछ पॉइंट्स पे मार्केट से अलग चल रहे हैं। हम सीधा सिस्टम इंटीग्रेटर को, जो मार्केट में इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको प्रोडक्ट पिच करने में प्रॉब्लम्स रहती हैं। सबसे बड़ा इशू है सर कि आज के मार्केट में ऑनलाइन प्राइजेज ओपन है। अदर ब्रांड की बात करें तो ब्रांड अपनी प्राइजेस को क्लोज नहीं रख पा रहे, कॉन्फिडेंशियल नहीं रख पा रहे, तो इस पर हमने काफ़ी काम किया है। तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन प्राइजेस पर, हमारे डीलर प्राइजेस पर अवेलेबल नहीं है, वो MRP पर अवेलेबल है। तो जो हमारे साथ सिस्टम इंटीग्रेटर है वो अच्छे खासे मार्जिन के साथ हमारे साथ, मतलब आपका जो मेन फोकस एरिया है वो सिस्टम इंटीग्रेटर डीलर्स है, राइट? यानी कि B2C डायरेक्ट कस्टमर आपका उसमें नहीं है? डायरेक्ट कस्टमर का नहीं है, B2B हमारा सारा फोकस है। और कॉरप्रिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सिस्टम इंटीग्रेटर करे वो अच्छे मार्जिन के साथ करे, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट केवल देना नहीं है, सेल नहीं करना है, उसको सेल आफ्टर सर्विस भी आपको मॉनिटरिंग करनी है, उसकी सर्विसेज देखनी है। तो इन चीज़ों को हमने ध्यान रखते हुए कि एक सिस्टम इंटीग्रेटर को मार्जिन, एक हैंडसम मार्जिन मिले, उसके लिए हमने ये पॉलिसी की है और इसको मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। तो ये शिकायत जो आपको अदर ब्रांड से आती है, आप मेरे साथ जो देख रहे हैं, काफ़ी सिस्टम इंटीग्रेटर 100% मैं 100% ही बोलूँगा, क्योंकि सभी को ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप प्रोडक्ट पिच करने जाते हैं, देने जाते हैं, तो आपका एंड यूज़र बोलता है कि ये तो अमेजोन पे मिल रहा है या मैं किसी भी रिटेल पोर्टल अदर पोर्टल पे मिल रहा है, तो वहाँ पर आपको मार्जिन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। तो ये एक पॉइंट का आपने ध्यान रखा। जी जी, तो ये जो सोच आपके अंदर आई, ठीक है ना, वो आई थिंक जहाँ तक मुझे आपका बैकग्राउंड पता है, आप भी एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर हैं, राइट? तो वो जर्नी कैसी क्या है, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं ना, वो हर किसी की एक दुखती रग है जिसपे आपने काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि लोग उससे जुड़े। और साथ में ये भी बताइए हमें कि कॉरप्रिक्स के अंदर कितनी तरह के प्रोडक्ट, मतलब आप क्या क्या बना रहे हैं, ताकि हमें पता चले। देखिए, जर्नी शुरू होती है 2013 से, और 2013 से 15 तक सिस्टम इंटीग्रेटर का एक्सपीरियंस लिया है, क्या इश्यूज बनते हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो ये काफ़ी चीज़ें फेस किए। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम कॉरप्रिक्स को, जो सिस्टम इंटीग्रेटर को सर्व कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम सर्व कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई जैन साहब की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ऑनलाइन प्राइजेस ओपन करने वाली। दूसरी जो प्रॉब्लम फेस होती है, कुछ ब्रांड ने अभी सर्विसेज को थोड़ा ठीक किया है, लेकिन आज भी सेल आफ्टर सर्विस में सर्विस सेंटर पे डिले हो जाता है। तो हम लोग पहले तो करीबन 40-45 दिन तक लग जाते थे। जी राइट सर, अभी थोड़ा सा कंपनीज ने कुछ लेवल पर ठीक किया, लेकिन वो भी कुछ बड़े लेवल पर ठीक नहीं बोल सकते। हमने उस स्टैट टाइम को 72 वर्किंग आवर्स रखा है, 72 वर्किंग आवर्स। यस सर, हमारे सर्विस सेंटर पर पहुंचने के 72 घंटे के अंदर हम उसको रिप्लेस या रिपेयर करके सिस्टम इंटीगेटर तक पहुंचा देते हैं। 72 वर्किंग देश के कोई भी कोने से हम लोग डिस्पैच कर देते हैं, हमारे ऑफिस में उसका 72 वर्किंग आवर्स, थ्री डेज का हम लोगों ने टेट बनाया हुआ है। तो थ्री डेज में हम कोई भी प्रोडक्ट हमारे सर्विस सेंटर में रिसीव होता है तो हम उसको डिस्पैच कर देते।
अब वो रिपेयर की पोजीशन में है चाहे रिप्लेस की पोजीशन में, हम उसको कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व किया जाए, ताकि सिस्टम इंटीग्रेटर को एंड यूजर से फेस नहीं करना पड़े, प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े कि हम बहुत टाइम लग गया है या कुछ सेंसिटिव जगह है, जैसे आप समझिए पेट्रोल पंप है, ज्वेलरी शॉप्स है, जहाँ पर सेंसिटिविटी होती है कि उनको वहाँ पर नए प्रोडक्ट ही प्लेस करने पड़ जाते हैं, तो उस चीज को हमने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वारंटी पे भी फोकस किया है। उसके साथ साथ में हमने बर्निंग भी कवर किया, हमारे सारे प्रोडक्ट्स 2 ईयर गारंटी के साथ में हम लोग देते हैं, कि चाहे वो बर्न हो या फिर कुछ भी हो। जी सर। ओके, मतलब अगर जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जिसको बोलते हैं या फिर फिजिकल बर्न के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, तो जो स्टार्ट होगा तो होता ही है, तो वो तो चलेगा नहीं, तो वो तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है, वो हर ब्रांड देती है, लेकिन उससे एक कदम ऊपर जाकर आपने बर्निंग जो होते हैं जिसको अदर ब्रांड्स हैं वो कहीं ना कहीं फिजिकल डैमेज या फिजिकल बर्न के हिसाब से लेती हैं और उसके ऊपर गारंटी वारंटी नहीं देती है। सीधी भाषा में बोले तो अनकंडीशनल गारंटी देते हैं हम लोग। ओके, अनकंडीशनल गारंटी, अनकंडीशनल, इसमें कंडीशन नहीं है। ओके, और अगर कंडीशन की बात करें तो डैमेज कंडीशन है। Okay. अब कैमरा लगा है, किसी ने तोड़ा है, उसको डेंट किया है चला के, तो वो तो एक अलग इशू हो गया। बराबर। बाकी कंडीशन, इसमें कंडीशन नहीं है, क्योंकि जनरली एंड यूजर और सिस्टम इंटीग्रेटर के बीच में जो डिस्प्यूट रेज होते हैं, right. उसकी सबसे बड़ी वजह आज के मार्केट में बर्निंग है, बर्निंग की। वो बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने 2 ईयर पे लिया था और अभी तो 3 मंथ हुआ है, 6 मंथ हुआ है, तो वो चार्जेस मांग रहे सर्विस सेंटर वाले, और हमने तो कुछ किया नहीं उसके अंदर, हमने तो कुछ नहीं किया, तो लगा हुआ था, अब ये बर्न हुआ है या टेक्निकल फॉल्ट है, वी डोंट नो, राइट, तो हम उसको नहीं जानते। Okay. तो उस केस में डिस्प्यूट रेज होता है। ओके, आप क्या क्या बनाते हैं एक्चुअली कॉर्पिक्स में, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास में? देखिए, हमारे पास में जो HD कैमराज है, अगर वायर्ड कैमरा की बात की जाए तो HD कैमराज है। Okay, HD की पूरी सीरीज आपके पास HD कैमराज की सीरीज है, जो कि 2.4 MP से शुरू होती है। ओके, 2.4 MP कलर ऑडियो और 5 MP कलर ऑडियो। Okay, ये जो बूमिंग मार्केट है, वो भी काफी जबरदस्त चल रहा है, अभी अच्छा चल रहा है, और IP अभी उठता हुआ मार्केट है, right. और काफी HD को रिप्लेस करके मार्केट, right, अभी IP काफी सारा आ गया मार्केट में। तो IP हमारा स्टार्टिंग 4 MP IP से स्टार्ट हो जाता है। ओके, स्टार्टिंग ही आपका 4 MP IP से। ओके, 2 MP आप बनाते ही नहीं? 2 MP नहीं बनाते, 2 MP हम पहले करते थे, पहले मैन्युफैक्चर करते थे, लेकिन 2 MP डिस्कंटिन्यू कर दिया पिछले 1 साल से। ओके, अभी स्टार्टिंग है 4 MP IP, उसके बाद में 5 MP IP इकोनॉमी, 5 MP IP प्रीमियम एंड 8 MP IP। ओके, तो 8 MP IP तक हमारा रेंज है। और DVR और NVR में कितने चैनल तक जाता है आपका? DVR में हमारा जो है 32 चैनल तक जाता है, और NVR में हम लोग 10 चैनल से स्टार्ट होकर 64 चैनल तक हमारे पास होता है। कुछ प्रोजेक्ट सीरीज हमारे पास 128 चैनल में भी हमारे पास NVR से वहां तक आप पहुंच चुके हैं। जी सर। सर, एक चीज और कि आपका जो प्रेजेंस है इंडिया में वो कहां तक है? मतलब कॉर्पोरेट्स नो डाउट एक नया ब्रांड है, अभी तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है, तो अगर कोई इसको अवेल करना चाहता है, लेना चाहता है, तो आप तक कैसे पहुंचे? देखिए, बेसिकली कंपनी जयपुर बेस्ड है, राजस्थान बेस्ड है, और फिलहाल हमारी 2 स्टेट पर फिजिकल अप्रोच है, फिजिकल सर्विस सेंटर है, राजस्थान और गुजरात, जयपुर और अहमदाबाद, बहुत जल्दी सूरत में सर्विस सेंटर होने वाला है। ओके, या आप ही के शहर में, और MP में हम लोग इंदौर में सर्विस सेंटर और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट इंदौर, राइट, भोपाल, मतलब आपका राजस्थान हो गया जी, गुजरात हो गया जी, MP हो गया जी, और कहाँ पर? अभी फिलहाल यही है, बाकी लखनऊ में भी बहुत जल्दी, यानी कि यूपी में भी जाने वाले हो इस तरह से। अगर समझ लो कि कोई लोग ऐसे हैं कि जो कॉर्पोरेट्स को अदर स्टेट से लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल साउथ से लेना चाहते हैं, बहुत सारी हमारी ऑडियंस साउथ से भी है, मुझे पूछती रहती है ना, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? तो बहुत जल्दी उनके लिए भी हम लोग चेन्नई में डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट डालने जा रहे हैं, सर्विस, मतलब आपका पूरा प्लानिंग है कि नेशनल वाइड आपको जाना है। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल की वर्किंग करते हैं, हाँ, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस सेंटर हम लोग चेन्नई एस्टैब्लिश करने वाले हैं बहुत जल्दी, राइट, काफी इंक्वायरीज हमारे वहाँ से हैं, अभी वो इंक्वायरीज हम लोग सॉल्व करते हैं गुजरात अहमदाबाद से, तो उधर से डिस्ट्रीब्यूशन सारी क्लियर होती है, बस थोड़ा सा ट्रांजिट में टाइम लग जाता है, तो हमें रहता है उस चीज का भी कि थोड़ा ट्रांजिट टाइम लग रहा है, लेकिन जल्दी उस चीज को भी रिजॉल्व किया जाएगा सर्विस सेंटर के और डिस्ट्रीब्यूटर। एक पॉइंट ये बताइए कि एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर आप इतने खुश नहीं थे जो मैन्युफैक्चरिंग में आना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ मुझे प्रैक्टिकली जैन साहब कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी। ओके, तो मेरा ये था कि अगर मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है सिस्टम इंटीग्रेशन में,
तो क्यों नहीं मैं अपने जो रिलेट करते हैं इस बिजनेस से, सिक्योरिटी सर्विलेंस बिजनेस से रिलेट करते हैं, क्यों ना मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे वर्क किया जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन से जर्नी शुरू होती है और ये जर्नी आज यहाँ तक पहुँचती है। तो हम लोग एक सॉल्यूशन बेस्ड वर्किंग करने में बिलीव करते हैं। मनोज प्रताप जी, एक सवाल आता है कहीं ना कहीं हमारी एसआई की टीम से, जैसे कि आपने मुझे देखा ही होगा कि मेरी जो विजिट है वो काफ़ी सारे शहरों में अभी लास्ट ईयर के अंदर हुई है, तो मैं काफ़ी सारे लोगों से मिला हूँ। वहाँ पर कुछ लोग पॉजिटिव हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन उनकी जो तादाद है वो बहुत कम है कि हाँ यार जो सीसीटीवी का मार्केट है उनको मज़ा आ रहा है काम करने में, जी जी ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव इन द सेंस ऑफ कि उनको मज़ा नहीं आ रहा है, वो कॉम्पिटिशन से बहुत ज़्यादा आहत है। तो ऐसे लोगों के लिए आपका कोई मैसेज, क्योंकि आप भी इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आपने एसआई की पूरी जर्नी देखी है, आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हो, आप भी कई सारे लोगों से मिलते हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो नेगेटिव है मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा कि नेगेटिव मार्केट तो ये नहीं है, बढ़ती हुई मार्केट है। सिक्योरिटी और सर्विलेंस की जो आप लास्ट 5 ईयर की ग्रोथ देखेंगे तो एक बहुत रिस्पेक्टिव ग्रोथ है, तो ये बहुत बढ़ती हुई मार्केट है। आप अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड कीजिए, उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराइए। देखिए कि बिजनेस का कुछ कमी नहीं है इस मार्केट में, बहुत अच्छे स्कोप्स हैं। HD रिप्लेस हो रहा है IP की जगह, IP आने वाले टाइम में रिप्लेस होगा और अधिक मेगापिक्सल के साथ। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव को क्लियरली नहीं समझ पाया कि वो क्यों नेगेटिव है। प्राइस कंपटीशन, सर, प्राइस कंपटीशन अगर आप सॉल्यूशन अच्छा देते हैं, क्लाइंट्स आपके फेवर में आए, तो यहाँ पर आपकी फेस वैल्यू चलती है। यहाँ ब्रांड नहीं चलता कि कौन सा ब्रांड आप पुश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किसी भी शहर में अगर कोई सिस्टम इंडिकेटर है तो अपनी फेस वैल्यू के बेस पे वो बिजनेस करते हैं। जैसे एक डॉक्टर अपनी मेडिसिन को सामने वाले को देता है तो वो मेडिसिन नहीं पूछी जाती कि आप कौन सी दे रहे हैं, उसको ठीक होना है, उसको रिलीफ चाहिए, वो डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करता है, वो डॉक्टर पे ट्रस्ट करता है। उसी तरीके से ये सिक्योरिटी और सर्विलेंस का बिजनेस है। अगर आपका फेस वैल्यू अच्छा है, सेल आफ्टर सर्विस अच्छी है, तो आपको नेगेटिव होने का कभी मौका नहीं पड़ेगा। आप अपने क्लाइंट्स के साथ लॉयल रहिए, उनके सेल आफ्टर सर्विस को पूरे तरीके से ध्यान रखिए, तो बहुत अच्छी स्कोप्स है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है सर्विलेंस इंडस्ट्री में। राइट, आपका कॉर्पोरेट्स को लेकर फ्यूचर प्लान क्या है? यानी कि ठीक है, अभी आपके पास में HD कैमराज हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने जो रेंज बताई वो है आपके पास में, आपके पास में IP कैमराज हैं, ठीक है, और तो आगे आने वाले समय में आप और कौन कौन से प्रोडक्ट्स को लाना चाहते हैं जिसका आप फ्यूचर देख रहे हैं हमारे इंडियन मार्केट के अंदर? देखिए, इंडियन मार्केट बहुत बढ़ती हुई बाजार है हमारे सिक्योरिटी और सर्विलेंस में। जिस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्केट से डिमांड बनती जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते जा रहे हैं। जैसे बात की जाए कि अभी IP कैमराज में जब 2 MP तक मार्केट लिमिटेड था, कि आज से 2 साल पहले 3 साल पहले की बात की जाए तो 2 MP कैमरा 90% 2 MP पे था, अभी वो 4 MP पे आ गया। उसके साथ में ऑडियो, उसके साथ में कलर व्यू, उसके साथ में डुअल AI बेस्ड मोशन डिटेक्शन ऑन मेल अलर्ट, तो ये सारी चीज़ें हमने कस्टमाइज। तो ये जो इंडिया का यूज़र है यही हमें बताता है कि हमें और क्या चीज़ें नहीं चाहिए। तो जैसे यूज़र की डिमांड है सर, उसके अकॉर्डिंग एक समझदार कंपनी अपने आप के प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कर लेती है, और वही हमने अब तक किया है। तो कस्टमाइजेशन हम करते जा रहे हैं। राइट, आपका जो फोकस है वो क्या है, प्राइस या क्वालिटी? सर देखिए, क्वालिटी हमारा फोकस रहता है, प्राइस के साथ में क्वालिटी के साथ अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए तो फिर प्राइस को डाउन किया जा सकता है, लेकिन क्वालिटी ज़्यादा फोकस्ड है। और सबसे फोकस्ड है हमारे सिस्टम इंडिकेटर की सेटिस्फिकेशन, और वो तभी आ पाएगी जब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो प्राइस को भी हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि हम अच्छे प्राइस में, एक रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस में इंडियन मार्केट को एक अच्छी चीज़ दे पाएँ। सिस्टम इंडिकेटर पिच करें तो क्लाइंट को भी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली हो, तो उसको अफोर्डेबल हो, प्राइस के साथ साथ में हम लोग एक अच्छी क्वालिटी सर्व करने की, और उसके साथ साथ में सेल आफ्टर सर्विसेज पर भी फोकस है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 डेज का हमारा टेट टाइम है सर्विस का, तो उसको भी हम लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं अभी तक। वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना सर। 72 वर्किंग आवर्स का हमारा जो वर्किंग डे, 3 वर्किंग डेज का हमारा रहता है, कि अगर सपोज कीजिए कि इंडिया किसी कोने से हमें, साउथ इंडिया से हमें हमारे सर्विस सेंटर में कुछ प्रोडक्ट मिला, तो अगर वो हमें आज मिला है तो हमें उसको नेक्स्ट 3 डेज के अंदर डिस्पैच करना है। अब उसकी रिपेयरिंग की पोजीशन है 2 ईयर में, तो रिपेयर करके भेजा जाएगा, रिप्लेसमेंट का पोजीशन है तो रिप्लेसमेंट करके भेजा जाएगा,
और एक साथ में हमारी जो बात हुई थी तब आपने मुझे एक चीज बताई थी और मैंने आपका एक आर्टिकल भी पढ़ा था, है ना, उसके अंदर था कि अगर समझ लो कोई आपसे प्रोडक्ट बाय करता है राइट, और वो उस प्रोडक्ट को लेने के बाद में सेटिस्फाइड नहीं होता है तो भी आप कुछ वहाँ पर रिफंड जैसी कुछ पॉलिसीज हैं आपकी? हाँ जी, हाँ जी, जैसे कि क्या होता है कि इंडिया में काफ़ी सिस्टम इंडिकेटर हमारे टच में होते हैं, कोई किसी के रेफरेंस के थ्रू आ जाते हैं कि भाई हम लोग सी जो भी अदर ब्रांड कर रहे हैं तो उनके साथ साथ में हमें मार्जिन का इशू है, सर्विस का इशू है या अदर कोई इशू है तो वो लोग कोरपिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम का आती है जैन साहब कि वो एक ट्रस्ट इशू बनता है कि प्रोडक्ट हमने लगाया तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो अच्छे सिस्टम इंडिकेटर है उन्हें अपने मार्केट से बहुत लगाव होता है, बहुत अटैचमेंट होता है, क्योंकि वो मार्केट को बढ़ाना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं कि कहीं पे लगा दिया वो उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है उस पर देखा नहीं, अपनी पेमेंट क्लियर कराई और निकल ली, वो नहीं होता। तो वो सेटिस्फाइड करने के लेवल पर होते हैं तो सेटिस्फिकेशन उनको एंड ऑफ द टाइम चाहिए। तो हमारा भी यही है कि अगर सिस्टम इंडिकेटर हमारे प्रोडक्ट पे अगर फर्स्ट टाइम बाय किया है, चाहे वो HD ले, IP ले, हमारे वाईफाई कैमरा ले, कोई भी प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम ले और अगर उस पर सेटिस्फाइड नहीं है तो हम लोग उनकी परचेज के, उनके वहाँ डिलीवरी होने के 7 डेज तक की रिटर्न पॉलिसी के साथ काम करते हैं। ओके, हम लोग उस प्रोडक्ट को उनके कॉल आने पे कि हमने आपका ये प्रोडक्ट मंगाया है और हमें ये प्रोडक्ट समझ नहीं आया। अब एंड यूज़र को समझ आया नहीं आया, देखिए वो एंड यूज़र का कोई सेटिस्फिकेशन का लेवल नहीं है हमारी इंडस्ट्री में, कोई मेगापिक्सल का मेजरमेंट नहीं, उसकी एक्सपेक्टेशन का कोई लेवल नहीं होता। हमारा ये रहता है कि हम एक सिस्टम इंडिकेटर को सेटिस्फाइड कर पाए और आज तक ये करने में हम बहुत ज्यादा हमने उसको सक्सेसफुली रहे हैं कि हमने उनको एक अच्छे लेवल पर सेटिस्फाइड किया। रिटर्न का हमारा मौका बहुत ही रेयर केस में रहा है कि कभी किसी ने रिटर्न किया हो। तो ये 7 डेज का पॉलिसी हमारे एक सिस्टम इंडिकेटर के साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, तो ये हमने कंटिन्यू किया हुआ है। राइट, सो दोस्तों मैं आप लोगों को भी यहाँ पे बता दूं कि जब हमारी डिस्कशन हो रही थी और मैं इसी वजह से मैंने इनको भी इनवाइट किया है कि इनके पास में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो मुझे मार्केट से थोड़ी डिफरेंट लगी। एक तो आपकी आई थिंक एक एप्लीकेशन भी है जो एंड्रॉयड और iOS पे है जहाँ से लोग कोरपिक्स को बाय कर सकते हैं, मैं राइट? तो वहाँ से, जैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। और जो दूसरी एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा अभी उन्होंने बताया कि अगर आप नए तरीके से कोरपिक्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं और आपको ट्रस्ट नहीं है कि यार ये ब्रांड का प्रोडक्ट कैसा होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, किस तरह से ये वर्क करेगा, तो दोस्तों आप इनसे मंगवा सकते हैं। और 7 डेज का इनका एक पॉलिसी है कि 7 जिसे आपके पास में वो प्रोडक्ट पहुंच गया, आपने उसको टेस्ट किया, अगर आपको अच्छा लगा तो आप बट ऑब्वियसली रख लोगे क्योंकि आप तो ये नहीं चाहोगे कि वापस रिटर्न भेजना, तो आप इनसे मंगवा सकते हो। अगर नहीं समझ में आया, आपको नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, ये लोग आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, विद इन 7 डेज के अंदर आप इनको वापस से रिटर्न कर दीजिए तो आपका जो पैसा है वो आपको वापस से रिफंड हो जाएगा। तो मैं आपको इस पॉलिसी के लिए स्पेसिफिक आपको हेड्स ऑफ करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी कंपनीज मैंने देखी हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट मैं खुद मंगवाता हूँ, टेस्ट करने के लिए मंगवाता हूँ, है ना, रिव्यू करने के लिए। मैं कई बार बोलता भी हूँ यार प्रोडक्ट मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन उनके पास में कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं होती, या तो इधर प्रोडक्ट ख़राब होना चाहिए तो मुझे वारंटी में रिप्लेस करके देंगे, बाकी रिफंड और ऐसा चीज़ उनके पास में कुछ नहीं होता। सर सेटिस्फिकेशन के साथ ही हम लोग कस्टमर रिपीट कर सकते हैं क्योंकि ये सारे सिस्टम इंडिकेटर हमारे B2B क्लाइंट्स हुए, तो B2B के साथ हम चाहते हैं कि हम रिपीटेशंस रखें उनके साथ में। एक बार का बिलिंग करवाना, एक बार की उनसे हमारी कनेक्टिंग हम बिलीव नहीं करते, तो वही चीज़ है। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है सिस्टम इंडिकेटर में परचेज करते टाइम भी कि हम ये चीज़ ले रहे हैं, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने से उसको प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस के साथ में कर सकते हैं। जो हमारी 7 डेज की पॉलिसी है वो हमारी हमेशा चालू रहने वाली है, उस पर कोई अमेंडमेंट फ्यूचर के लिए मैं नहीं देखता। Okay. तो उसको हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं। दैट्स ग्रेट जी। और एक और चीज़ मैंने आपको कई बार, हम ज़्यादातर तो इसमें इफसेक में और कई जगह पे जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं हमारे सिक्योरिटी के वहाँ पर देखा है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आपके पास में इंडिया लेवल से आते होंगे जी जी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उन सब लोगों के साथ में, जितने भी लोग आपसे मिलते हैं या फिर इस तरह के जो एक्सपोज हैं, है ना, वहाँ पर जो लोग विजिट करते हैं, आपका क्या इसके बारे में राय है? देखिए सभी लोग अभी जो एग्जिस्टिंग ब्रांड कर रहे हैं कुछ नया, कुछ डिफरेंट कुछ करना चाहते हैं, बस उन्हीं के लिए हमारी कोरपिक्स की आगे की तैयारी है कि हम उनके शहर तक पहुँचे, उनके सिटी तक पहुँचे, उनके सर्विस सेंटर इस्टेब्लिश करें, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट इस्टेब्लिश करें, बस उसी की तरफ हमारे प्रयास जारी हैं।
और इफ्सेक की बात करें दिल्ली की, तो काफ़ी इंडिया के हर एक कोने से हमारे पास में सिस्टम इंडिकेटर टच हुए। वो सभी लोग चाहते हैं कि आप हमारे सिटी में आए, आप हमारे स्टार्टिंग करें, हम आपके साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो वो तैयारियां हमारी आगे के लिए जारी है। गुजरात में आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गुजरात से, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारी 1.5 साल की प्रेजेंस है, बहुत ही बेहतरीन गुजरात से, गुजरात के सिस्टम इंडिकेटर से हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और एक और सवाल था कि जैसे कि जो सिस्टम इंटीग्रेटर हैं वो अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो अगर इससे एक स्टेप अगर ऊपर उठना चाहें कि उनको और आगे बढ़ना है जी, और जो ऑलरेडी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उन लोगों को चैलेंजेस आती है बहुत सारी ब्रांड्स के साथ में मार्जिन्स को लेकर, बहुत ही श्रिंक मार्जिन है एवरीवन नोज, तो उनके लिए आपके पास में क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है जिन साहब। जो सिस्टम पहले सिस्टम इंटीग्रेटर की बात करते हैं, जो सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं वो अगर एक लेवल ऊपर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके ऊपर का लेवल डिस्ट्रीब्यूशन का आता है। अगर अच्छे लेवल पर इंटीग्रेशन का काम कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से वो काम करते हुए आ रहे हैं तो ठीक है, उनको अपना लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर आना चाहिए। कि कॉर्पोरेट्स जो है अभी सभी इंडिया में सभी सिटीज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हम लोग खोलने जा रहे हैं, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी IVR लाइन पे, टोल फ्री लाइन पे जो कि आप डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ उनके लिए एक लेवल अप हो सकता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ जाएँ, और सिस्टम इंटीग्रेशन का जो उनका एक्सपीरियंस है वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में उनके लेवल ऑफ इनकम को भी इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर जो उनकी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हुई है, जो भी उनकी जर्नी रही है सिस्टम इंटीग्रेशन की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके एक्सपीरियंस को बेनिफिट, एक्सपीरियंस का उनको बेनिफिट मिलने वाला है। बात करते हैं एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर की, जो डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड में है सिक्योरिटी और सर्वेलेंस में, तो मार्जिन बहुत श्रिंक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनके लिए भी हमारे पास काफ़ी अच्छे मार्जिन है, क्योंकि हम एक रिप्यूटेड एक मार्जिन पर काम कर रहे हैं, एक हैंडसम मार्जिन पर डिस्ट्रीब्यूशन और सिस्टम इंटीग्रेटर के बीच में एक हैंडसम मार्जिन हमने बिल्ड किया हुआ है। तो वो लोग भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी कि वो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले सकता है। राइट, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा में वो कॉर्पोरेट्स और ऐड कर लेगा, तो बट ऑब्वियस है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग। देखिए आज भी मार्केट में भी उनके साथ रहता है कि कोई भी सिस्टम इंडिकेटर जाता है कि हमें वो कुछ ऐसा ब्रांड दीजिए जो वैल्यू फॉर मनी हो। राइट, तो मैं अगर सीधी बात करूँ तो कॉर्पोरेट्स इज वैल्यू फॉर मनी। ओके, तो वो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को आज सर्वेलेंस इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जो वैल्यू फॉर मनी हो, जो उनको एक अच्छा मार्जिन दे, जो उनके सर्वाइवल के साथ साथ मार्जिन में भी इंक्रीमेंट करे। तो हम एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी तैयार हैं, जो भी चाहते हैं वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कॉर्पोरेट्स के साथ में। सो ओवरऑल दोस्तों बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेकर वो भी काफ़ी इनोवेटिव हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि हर जगह पे आपको कॉमनली देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और आपके जो प्रोडक्ट हैं वो ज़रूर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रिव्यू करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट करी है कि उनके प्रोडक्ट एक बार कुछ सर कंपेरिजन करके या फिर लाइव परफॉर्मेंस उनकी दिखाई है, तो हमको समझ में आया कि इस तरह के प्रोडक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राइट, सो अगर आप देखो यहाँ पर इस वीडियो को बनाने के पीछे का एक ही मेरा कारण था कि एक तो आप जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं उनके बारे में आप जानें कि वो क्या विज़न क्या मिशन लेकर हमारी इंडस्ट्री में आए हैं, किस तरह के उनके प्रोडक्ट हैं, वो डायरेक्टली आपसे खुद से जुड़ना चाहते हैं ताकि उनको आप लोगों को ये बता पाएँ कि वो क्या चीज़ें लेकर आए हैं, क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं, तो डायरेक्टली आपसे जुड़ाव हो जाएगा उन सब चीज़ों का। अगर आप डीलर डिस्ट्रीब्यूशनशिप या फिर चैनल पार्टनर्स देख रहे हैं तो ऑलरेडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका जो नंबर है दैट इज़ IVR नंबर, वहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसी के अंदर आपको सेल्स सपोर्ट हर एक चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी, एप्लीकेशन ऑप का भी जो लिंक है वो भी मैं आपको दे दूंगा, और आगे आने वाले समय के अंदर मैं बट ऑब्वियस है कि कॉर्पोरेट्स के कुछ प्रोडक्ट ज़रूर रिव्यू करूँगा ताकि आप लोगों को एक माइंडसेट क्लियर हो जाए कि हमें किस तरफ जाना है और कॉर्पोरेट्स को किस तरह से चूज़ करना है, क्या इनके प्लस हैं क्या इनके माइनस हैं एवरीथिंग। सो काफ़ी मज़ा आया आपसे बात कर कर, और अभी फ़िलहाल जब हम लोग आए हैं तो ये यहाँ पर सूरत में ही आए हुए थे, बिकॉज ऑफ यहाँ पर सीता का एग्जीबिशन ऑलरेडी लग रहा है, राजकोट में भी मिले हम लोग, इफ्सेक में भी मिले हैं, तभी जब मेरी इनसे बात हुई थी कि नहीं यार एक बार ज़रूर 1-to-1 हमें करना चाहिए ताकि सब लोगों के लिए अच्छा हो। और दोस्तों अगर कोई और भी जो भी इस तरह के वीडियोस देख रहा है, अगर वो चाहता है कि उनके पास में कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं
हैं और इनोवेटिव कोई प्रोजेक्ट्स के सॉल्यूशंस लेके आए तो भी आप हमें हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर जो मेंशन हो रही है वहाँ पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर अगर उनके कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस है तो हम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू सबके साथ में शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा तो एक ही चीज़ है कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और हमारा देश सुरक्षित होगा। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपसे जुड़ने के लिए बहुत ही बढ़िया लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।